नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जय मदान और आपके लिए आज मैं बहुत कुछ खास लेकर आई हूं। एक तो हम आपके दिन को अच्छा बनाएंगे, आपके दिन को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, आपके दिन को ब्यूटीफुल बनाएंगे और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी अपनी हेल्थ को फिट रखने के लिए आप क्या करें। इतना ही नहीं, कितनी बार हमें लाइफ में ऐसे लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों के रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, इन सब का आपको सोल्यूशन मिलेगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, रेगुलरली इन टच बने रहना है। आपको रेगुलरली मुझे मैसेज करना है, आपको मुझे बताना है कि आप किस बारे में जानना चाहते हैं, किस चीज़ से आपको क्या फ़र्क पड़ा, सो दैट आई कैन प्लान एंड शेयर थिंग्स विथ यू अकॉर्डिंगली। चलिए फिर आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लोग, आज दिन की शुरुआत में कुछ मुश्किलें सामने आएंगी, लेकिन अपनों की मदद से आप उसका हल निकाल लेंगे। घर के किसी मेंबर के हेल्थ को लेकर चिंता रह सकती है। स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पढ़ाई के लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े बिजनेस में फायदेमंद की सिचुएशन बनी रहेगी। लकी कलर फॉर यू इज मोव, लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 9 और लक आपका साथ दे रहा है 77%। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। आज फैमिली के साथ किसी इंपॉर्टेंट चीज की खरीदारी कर सकते हैं आप। जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लेने से दिक्कत आ सकती है। रिलेशनशिप्स को खराब होने से बचाना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट के नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, जिससे उनमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करने वाले लोग अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में ज्यादा ध्यान देंगे। लकी कलर फॉर यू टुडे इज ऑरेंज, लकी नंबर फॉर यू टुडे इज नंबर 8 और लक आपका साथ दे रहा है 87%। मिथुन राशि वाले लोगों की बात करते हैं। आज किसी भी गवर्नमेंट काम को लापरवाही की वजह से अधूरा ना छोड़े, क्योंकि कोई पेनल्टी आप पर लग सकती है। बिजनेस में आपके हिसाब से की गई कोई नया प्रोग्राम फायदेमंद साबित होगा और मेहनत के बेहतरीन रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अपने जीवन साथी का सपोर्ट आपके लिए बहुत सुकूनदायक रहेगा। लकी कलर फॉर यू इज वाइट, लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 1 और लक आपका साथ दे रहा है 75%। आइए बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों की। आज का दिन कुछ मिले जुले रिजल्ट आपको देने वाला रहेगा। किसी भी परेशानी में बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से आप रिजल्ट निकालेंगे, इसकी कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी इंपॉर्टेंट इंसान के सपोर्ट से कई मुश्किलें आपको सॉल्व होती हुई दिखेंगी, रिजल्ट देती हुई दिखेंगी। किसी क्लोज रिलेटिव की हेल्थ को लेकर मन उदास रह सकता है। दिखावे के चक्कर में कर्जा लेने से बचना है आपको। लकी कलर फॉर यू टुडे इज ब्राइट रेड, लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 6 और लक आपका साथ दे रहा है 82%। सिंह राशि के लोग, आज का दिन किसी अटके हुए काम को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा है। इस समय रुपए पैसे से रिलेटेड किसी भी तरीके के लेन देन में धोखा हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोई इंपॉर्टेंट ऑर्डर मिलने की संभावना है। वैसे इसमें पहले थोड़ी परेशानी आएंगी, लेकिन आप कोशिश करते रहेंगे, आपका काम जरूर बनेगा। लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 5। आपको इस नंबर को आज यूज करना है, आप अपनी रिस्ट पे लिख कर भी रख सकते हैं। लकी कलर फॉर यू इज डार्क येलो और लक आपका साथ दे रहा है 68%। कन्या राशि की बात करते हैं। आज प्रॉपर्टी रिलेटेड कामों को करने का बढ़िया दिन है। अगर आपकी कोई प्लानिंग नहीं है या प्लानिंग है तो आज उसको जरूर पूरा करें। बिजनेस में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में कुछ दिक्कतें आएंगी। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, उनको ऑफिशियल काम के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है। इस समय एलर्जी, खांसी, जुकाम जैसी परेशानियां आप पर हावी रहेंगी, तो इसलिए केयरलेस नहीं हो, हेल्थ का पूरा ध्यान दें। आपके लिए लकी कलर जो आपको आज यूज करना है, दैट इज बेबी पिंक। लकी नंबर इज नंबर 3 और लक आपका साथ दे रहा है 83%। आइए तुला राशि की बात करते हैं। आज पर्सनल कामों की वजह से काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे आप, लेकिन आपके एम्प्लॉयज का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। शेयर्स और मार्केटिंग से जुड़े कामों में बेहतरीन सफलता मिलेगी। जॉब रिलेटेड जो चीजें हैं, ये किसी भी तरीके के गैर कानूनी काम करने से आपको बचना है। गैस,
कॉन्स्टिपेशन, ये सारी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना सही रहेगा। लकी कलर फॉर यू इज ऑफ वाइट, लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 4 और लक आपका साथ दे रहा है 65%। आइए वृश्चिक राशि के लोगों की बात करते हैं। आज आपका दिन काफी बिजी रहने वाला है। अगर कोई सरकारी काम अटका हुआ है तो आज उसे जरूर ध्यान दें और पूरा कर लें, जरूर सफलता आपको मिलेगी। बिना मतलब दूसरों से परेशानियां लेके ना उलझें, ना ही अननेसेसरी उनकी चीजों में इंटरफेयर करें। किसी सरकारी काम में गलती होने से आपको आपके ऊपर एक इंक्वायरी भी होने की पूरे पूरे चांसेस हैं। मेडिटेशन और ध्यान की तरफ अपने इंटरेस्ट को डेवलप करें। लकी कलर फॉर यू इज ब्राउन, लकी नंबर फॉर यू इज 7 और लक आपका साथ दे रहा है 81%। आइए धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लोग किसी शुभ समाचार से मिलने से सारा दिन खुशनुमा बीतेगा। स्टूडेंट्स को अपने किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद और प्यार आपके लिए बना रहेगा। इसके साथ साथ फाइनेंशियल मामलों में बहुत ज़्यादा सावधानी को बरतें। कामकाज में और भी ज़्यादा स्ट्रेस की सिचुएशन आप पे रहेगी जिसका असर आपकी हेल्थ पे पड़ सकता है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान दें। लकी कलर फॉर यू इज इंडिगो, लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 1 और लक आपका साथ दे रहा है 73%। आइए मकर राशि की बात करते हैं। आज प्रॉपर्टी या इससे रिलेटेड कोई रुका हुआ मामला आगे बढ़ सकता है। प्रैक्टिकल होकर अपने कामों को अंजाम देंगे तो ज्यादा सफलता मिलेगी। बच्चे या किसी फैमिली के सदस्य की नेगेटिव चीजों का मूवमेंट का आपको पता चलेगा जिससे कुछ चिंता रहेगी, लेकिन प्रॉब्लम को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। स्टाफ के ऊपर ज्यादा विश्वास रखना नुकसानदायक हो सकता है। लकी कलर फॉर यू इज एलमंड, लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 2 और लक आपका साथ दे रहा है 50%। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों को जल्दी ही कोई इंपॉर्टेंट उपलब्धि हासिल होने वाली है। ससुराल के साइड से किसी बात को लेकर कुछ गलतफहमी सामने आ सकती है। किसी ओपोनेंट की वजह से आपको आपका अंदर का मन, आपका दिल जो है वो थोड़ा बैठेगा, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा, लेकिन पार्टनरशिप रिलेटेड बिजनेस में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज के साथ आप बैठ कर पूरी चीज़ की प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। लकी कलर फॉर यू इज गोल्डन, लकी नंबर फॉर यू इज 5 और लक आपका साथ दे रहा है 69%। मीन राशि के लोग, आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छी खबर से होगी। फैमिली से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का हल निकलेगा, लेकिन पेपर वर्क से रिलेटेड काम में लापरवाही बिल्कुल ना करें। किसी अनजान इंसान के सपोर्ट से आप सरप्राइज रहेंगे। रिलेशनशिप में शक जैसी स्थिति उत्पन्न होने से दूरियां बढ़ेंगी। इस समय खांसी जुकाम जैसी समस्या परेशान कर सकती है। लकी कलर फॉर यू इज लाइट ब्लू, लकी नंबर फॉर यू इज नंबर 3 और लक आपका साथ दे रहा है 73%। देखिए, इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं दे पाता और उसके चलते वजन बढ़ने की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आज आपको घरेलू नुस्खों में वजन घटाने के उपाय बता रही हूँ, है ना काम की चीज। लगभग 30 ml अदरक के जूस में 2 चम्मच शहद मिलाकर पिए। अदरक ज्यादा भूख लगने की समस्या को भी दूर करता है और आपके डाइजेशन की मेटाबॉलिक रेट को दुरुस्त करता है। 1 ग्लास पानी में आधा नींबू, थोड़ा सा शहद और एक चुटकी काली मिर्च डाल दें। काली मिर्च फैट को शरीर में जमने नहीं देती और नींबू बॉडी से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है, लेकिन पानी गुनगुना होना चाहिए। थर्ड चीज वेट लॉस के लिए, 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर और 1 चम्मच नींबू का जूस मिलाकर लें। ये लिवर में जमे फैट को घटाने में मदद करता है, लेकिन इसको आपने ऐसे नहीं पीना है, स्ट्रॉ से पीना है, क्योंकि विनेगर आपके दांतों के लिए ठीक नहीं है। खाने में पत्ता गोभी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इसे उबालकर या सैलेड के रूप में आप ले सकते हैं। ये बॉडी में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलने नहीं देता, इसीलिए वजन कम करने में मदद मिलती है। वेट लॉस का 5th तरीका,
अश्वगंधा के दो पत्ते लेकर पेस्ट बना लें। सुबह खाली पेट इसे गर्म पानी के साथ भी, आप अश्वगंधा की गोलियां भी ले सकती हैं, आजकल कोविड के टाइम पे तो ये इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। अश्वगंधा स्ट्रेस के कारण बढ़ने वाले मोटापे को कम करने में मदद करता है। आइए आपको आज की स्पेशल वास्तु टिप देती हूँ फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ। अगर घर में मैरिड लाइफ में झगड़े बढ़ रहे हैं, आपसी ट्यूनिंग बेटर नहीं हो रही है, वर्स हो रही है, अगर आपकी मैरिड लाइफ में झगड़े बढ़ने लगे हैं तो बेडरूम में रखी चीज़ों पर ध्यान दें। बेडरूम में गुरु की, देवी देवताओं की फ़ोटो, धार्मिक बुक्स आपको नहीं रखनी चाहिए। ये सभी चीज़ें जुपिटर प्लैनेट से रिलेटेड हैं और मैरिड लाइफ वीनस प्लैनेट से रिलेटेड है और दोनों एक दूसरे के एनिमीज़ हैं, इसलिए पूजा की चीज़ें पूजा की जगह पर ही रखें। बेडरूम में कभी भी वेव्स वाली पानी की चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, ये सैडनेस, डिप्रेशन, लड़ाई की चीज़ें भी नहीं लगानी चाहिए। जो मूवमेंट इंस्टेबिलिटी वाली चीज़ें हैं, लहरों वाली चीज़ें हैं, ये इंस्टेबिलिटी लाता है, जिससे हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में इंस्टेबिलिटी आती है। आप बेडरूम में हैप्पी कपल्स, टू फ्लावर्स, टू बर्ड्स की इमेजेस लगाएं, ये पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है, टू इज़ यूनियन, है ना। अगर आपके बेडरूम में बिजली के खराब चीज़ें रखी हैं, खराब टीवी है, खराब लैपटॉप है, जो भी खराब चीज़ें हैं, इसे इमीडिएटली निकाल दें, इससे स्ट्रेस आता है। आइए मैं आपको स्पेशल फेंगशुई के बेनिफिट्स दे रही हूँ। तो आपको सबसे पहले देखना है कि फेंगशुई में ड्रैगन को बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप ड्रैगन खरीद नहीं सकते तो इसका पोस्टर निकाल दें, आप टाइप करें गूगल पे फेंगशुई ड्रैगन और इसका पोस्टर निकालिए। ग्रीन कलर का ड्रैगन लगाने पे हेल्थ में फिटनेस आती है। गोल्डन ड्रैगन घर में रखने पर हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा है। गैराज, बाथरूम या कोई बंद जगह में ड्रैगन ना रखें, इससे नेगेटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। ड्रैगन से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम आप 5 ड्रैगन घर पर रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इनको इतनी हाइट पर रखें जिससे आराम से ये नज़र में आए, बहुत ऊपर भी नहीं, बहुत नीचे भी नहीं। करियर में सक्सेस के लिए ड्रैगन को ईस्ट में रखें। ड्रैगन को दूसरी फेंगशुई चीज़ों के साथ में ना रखें और ड्रैगन के पंजे दरवाजे या खिड़की की डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए। आइए आपको हेल्थ में कुछ खास चीज़ें बताती हूँ। सर्दी का टाइम है और आपको मैं हेल्थ में अलग अलग तरह की चीज़ें बताती हूँ। आज मैं आपको चाय की चुस्कियों की बात बताऊँगी। सर्दी का टाइम है तो ये कैसे ना बताएं। सबसे पहले आपको ग्रीन टी के बारे में बताती हूँ। स्टीम की गई चाय की पत्तियों से ग्रीन टी तैयार की जाती है। इसमें EGCG नाम के कंपाउंड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जो कि बहुत बेनिफिशियल है। ग्रीन टी के फ़ायदे आपको पता है, ये हार्ट डिजीज़ और बाकी बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद करती है, यह आपको वेट लॉस में मदद देती है। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लैडर, ब्रेस्ट, लंग, पेट, पैनक्रियाटिक कैंसर के खतरे को कम करती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखती है। अब दूसरी चाय बताती हूँ, ब्लैक टी, यानी कि बिना दूध वाली काली चाय। आइडियली ये टी बैग वाली होनी चाहिए, ब्लैक टी को बहुत ज़्यादा उबालना नहीं चाहिए। चाय की फर्मेंटेड पत्तियों से ब्लैक टी तैयार की जाती है। फ्लेवर टी में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसमें कैफीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ब्लैक टी के फायदे ये हैं कि स्मोकिंग से जो लंग्स में होने वाले नुकसान है उसको कम करने में ये हेल्पफुल मानी जाती है। ये हेल्पफुल होती है इन रिड्यूसिंग डेंजर्स ऑफ स्ट्रोक, कि स्ट्रोक का खतरा कम करती है। गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने, गट हेल्थ बेहतर करने और ब्लड प्रेशर घटाने जैसे गुण में ये काम आती है। एस्ट्रोलॉजी में इन चीज़ों का दान ना करना, ज़रूरतमंद लोगों को मदद करना, इंसान के बेस्ट पर्पस को माना जाता है। दान पुण्य करने से ईश्वर का आशीर्वाद तो मिलता ही है, बल्कि घर में सुख शांति बरकत भी आती है। लेकिन कुछ ऐसे दान भी होते हैं जिन्हें देने से नुकसान होता है, जैसे झाड़ू का दान। झाड़ू अलक्ष्मी को दूर करने वाला और देवी लक्ष्मी को घर पर लाने वाला माना जाता है, इसलिए दान के रूप में किसी को झाड़ू ना दे। घर से बरकत चली जाती है और लक्ष्मी रूठ जाती है। धन समृद्धि के लिए झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ आने जाने वाले की नज़र उस पर ना जाए। ऐसा भोजन दान करने से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं है, इससे देवी देवता सब प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ भूखे लोगों को दान दें, बासी और बेकार का खाना देना खराब है। ऐसा दान पाप को बढ़ाता है, इससे घर में देवी लक्ष्मी ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है।
भूखे इंसान को और देवी अन्नपूर्णा का अपमान है अगर आप किसी को बासी पुराना और खराब खाना देते हैं। ऐसा भोजन खराब होने से पहले ही किसी पशु पक्षी को खिला दे, लेकिन खराब तो आप बर्ड्स को भी नहीं दे सकते। आज निधि शर्मा ने अपनी हैप्पीनेस और मोटिवेशन टिप हमको दी है। निधि का कहना है कि खुद को खुश रखना है आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा उन्होंने जल्दी लाइफ में रियलाइज किया। जीवन में अक्सर हम अपनी खुशियों को एक्सटर्नल चीजों पर निर्भर करते हैं, उन फैक्टर्स के लिए जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। ऐसे में हमारा मूड भी उन एक्सटर्नल फैक्टर्स पर ही डिपेंड करता है। जो हमारे करीबी लोग मूडी और इम्पल्सिव हमें समझने लगते हैं, जिससे ना सिर्फ हमारे रिलेशनशिप्स खराब होते हैं बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट होती है। हमें खुश रहने के साधन भीतर ढूंढने चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। ऐसा करने पर हमारा हैप्पीनेस फैक्टर तो बढ़ेगा ही, साथ ही हमारे क्लोज वंस भी सेटिस्फाइड रहेंगे। अगर इन साधनों से हमने खोज लिया कि हमारी ज़िंदगी सिंपल हो जाएगी और खुशहाल हो जाएगी। ये कभी ना भूलें कि खुद की खुशी के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। इस खुशी के साथ कि आप अपनी खुशी की पावर अपने पास समेटते हुए कल फिर मेरे पास आएंगे। कल आपके लाइफ के नए इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे, नई चीज़ों को सामने लाएंगे, कुछ नए नॉलेजेबल चीज़ें भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो अपना ख्याल रखिए, मैं कल फिर आपसे मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।